हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 16। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें अपन ने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर हैं आपने उनमें पढ़ा है कि स्रोत कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और आपके साहित्यिक को 2 भागों में अपन विभाजित किया, धार्मिक और लौकिक। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य जो आता है, तो इसमें हमने सबसे पहले उसको विभाजित किया है ब्राह्मण साहित्य में और ब्राह्मणेतर या जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आज हम पढ़ेंगे जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य में वेद की। वेद जो हैं वो कितने हैं? 4 वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है। और यदि हम बोलें कि वेदों को हम इतिहास का स्रोत क्यों मानते हैं, तो आपको पता होगा कि आर्य जो थ्योरी है उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो क्या माने जाते हैं? अपने वेद माने जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेद है वो पहला और आपका सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को, जो आर्य सभ्यता है उसका जो भी हमें साक्ष्य मिलता है या उससे संबंधित जो बातें हैं, उनका समाज कैसा था, धर्म कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, तो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो हमें ऋग्वेद से मिलती हैं। वेदों की संख्या 4 है और 4 वेद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों से हमें पता चलता है कि आर्य आए भारत में और वो सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करने लगे। और वेदों से ही हमें भारत की जो नेटिव ट्राइब हैं, जो स्थानीय जनजाति हैं, और आर्यों के बीच में जो युद्ध हुआ, जैसे आपको पुरंदर इंद्र को कहा गया है, ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास के जो वेद हैं वो एक महत्वपूर्ण अध्ययन के स्रोत हैं। इसी वजह से जब हम साहित्यिक जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करते हैं तो वेदों को सबसे ऊपर रखते हैं। तो हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन है। इसको, इसमें 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। अब मंडलों की यदि बात की जाए तो इसमें जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये नया है। बाकी 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंडल है, इन्हीं को वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। 2 से लेके 7 तक जो मंडल है इनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, इस वजह से इनको जो ऋषि मंडल है वो भी कहा जाता है। और इनमें ही हमें जो वंश, अलग अलग वंश हैं जो ऋषियों के, उनके बारे में भी पता चलता है। इसकी वजह से इन 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। और पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। अब यदि हम बात करें 10वें मंडल की, तो जब हम 10वें मंडल की बात करते हैं तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें कि आपकी चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो आपका वर्ण आश्रम सिस्टम है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हमें 4 चीजें पता चल रही हैं। पहला, जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है। 2 से लेके 7 जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। इन्हीं को हम ऋषि मंडल या वंश मंडल कहते हैं। ऋषि मंडल या वंश मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं, इसकी वजह से इनको ऋषि मंडल बोलते हैं। और इनमें अलग अलग जो ऋषि के वंश हैं उनकी जानकारी मिलती है, इसकी वजह से इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। 2 से लेके 7 तक के जो मंडल है। अब इसके बाद एक चीज और, यदि हम बात करें तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में हमें जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता जिनको सावित्री कहा गया है, सावित्री का अर्थ ये होता है जो ऊषा काल, मतलब कि सुबह, जो सुबह के समय का सूर्य होता है उसको सावित्री कहा जाता है। और इन्हीं से संबंधित जो गायत्री मंत्र है वो उसका वर्णन किया गया है 3रे मंडल में, जिसको किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। तो इसकी वजह से ये जो तीसरा जो मंडल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो ये मोटी मोटी जानकारी जो है वो हमें ऋग्वेद के बारे में पता चलती है। इसके अलावा आपको ये नॉर्मल जानकारी पता होगी कि इसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें ऋग्वेद के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन पे से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आगे की जो जानकारी है, जब हम आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो बाकी की और जानकारी हम वेदों के बारे में देखेंगे। अभी जो अध्ययन के स्रोत हैं उसके
हिसाब से जो हमें ओवरव्यू लेना है इसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बात करेंगे सामवेद की। सामवेद की यदि हम बात करें तो ये भारतीय संगीत, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, भारतीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। इसी में हमें जो सात स्वर हैं इनके बारे में पता चलता है। ये मुख्यतः यदि हम सामवेद की बात करें तो जो आपका गायन शैली है गद्य, इससे संबंधित है। और इसमें जो सूत्र हैं या जिनको अपन मंत्र बोलते हैं वो मुख्यतः सूर्य से संबंधित हैं। ये सारे इसमें आपको जितने भी मंत्र मिलेंगे उसमें से 90% जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता को समर्पित हैं। इसके अलावा यदि हम सामवेद की बात करें तो इसमें जितने भी सूक्त लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके ऋग्वेद से। इसके जो मंत्र हैं वो मुख्यतः कहाँ से लिए गए हैं, आपके ऋग्वेद से। तो इसके बारे में अभी यदि हम बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से या साहित्य के स्रोत की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको जो इससे संबंधित पुरोहित हैं या जो ब्राह्मण हैं उनको उद्गाता बोला जाता है, जो गाते हैं उद्गाता। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सामवेद जो है मुख्यतः गायन से संबंधित है, तो इससे संबंधित पुरोहित को हम क्या बोलेंगे, उद्गाता। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है वो मुख्यतः यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं, ठीक है, इससे संबंधित हैं। और यज्ञ से जो विधि विधान है, ठीक है, जो भी विधान है यज्ञ से संबंधित उनके बारे में बताया गया है। और ये है, इसको दो भागों में या दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक अपना शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण। अब यदि हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की तो ये सिर्फ पद्य में है, ठीक है, पद्य में संकलित है। और इसको जो याज्ञवल्क के पिताजी थे वात्स्यायन, इनके द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए इसको वात्स्यायन संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वात्स्यायन संहिता संबंधित है तो आपकी डायरेक्टली संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से, या सिर्फ यजुर्वेद लिखा है तो यजुर्वेद से। और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये आपका पद्य प्लस गद्य दोनों रूप से संकलित है, ये दोनों में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें इससे संबंधित जो पुरोहित थे उनको अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, इनसे संबंधित जो पुरोहित हैं, ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चलती हैं यजुर्वेद के बारे में। मुख्यतः यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यजुर्वेद संबंधित है तो यज्ञ से संबंधित आपके मंत्र और विधि विधानों से, कि जब बलि दी जाती है तो कौन सा मंत्र किस क्रम में आएगा, ये सारी चीजें रहती हैं। और इसके साथ साथ इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल और कृष्ण। ये उसी तरीके से है जो आपके चंद्रमा से संबंधित है कि 5 दिन बढ़ते 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। जब रात अंधेरी रहती है तो उस समय कृष्ण पक्ष रहता है और एक रहता है आपका शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष में लिखा गया है उसको कहा गया है कृष्ण यजुर्वेद, और जो शुक्ल पक्ष में लिखा गया है वो कहा गया है आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पद्य में संकलित है और वात्स्यायन संहिता इससे संबंधित है। और इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद्य दोनों में है, और इससे संबंधित जो पुरोहित हैं उनको अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारा यजुर्वेद। अब आगे हम देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की, जो कि सबसे अंतिम और सबसे नया वेद माना जाता है। ये अथर्ववेद जो है वो मुख्यतः आपके जादू टोना जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और आपका जिसे आपको कोई बीमारी है उपचार, ठीक है, उपचार से संबंधित जो मंत्र हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, अथर्ववेद में मिलेंगे। ठीक है, अब
इसका जो संबंधित पुरोहित है या इस जो मंत्र गाते हैं इससे संबंधित पुरोहित उनको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। और इसी में ही ये जो अथर्ववेद, इसमें जो आपकी सभा प्लस समिति, इन दोनों को जो प्रजापति हैं उनकी दो पुत्रियां कहा गया था, ठीक है। इसी में अथर्ववेद में ही कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ जो रिपब्लिकन सिस्टम है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, वो कितने पुराने हैं। जो आज प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को बोलने की कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, या यदि हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की या डेमोक्रेसी की, तो वो हमें जो वैदिक सभ्यता है वहाँ से दिखाई देती है। बाकी प्रेजेंट डिबेट अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सभा और समिति है इनका उल्लेख कहाँ किया गया था, आपके अथर्ववेद में। हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, ठीक है, ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडूक उपनिषद से, जो कि अथर्ववेद का एक उपनिषद था, ठीक है। और इससे संबंधित एकमात्र जो आपका यदि हम बोले ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कौन सा है आपका, गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ठीक है, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और सत्यमेव जयते जो लिया गया था वो अपना मुंडोक उपनिषद, जो कि आपका अथर्ववेद का एक उपनिषद है। तो ये बातें जो हैं वो हमें अथर्ववेद के बारे में पता चली। ये समरी में यदि आपको बता दूं, इससे संबंधित जो पुरोहित हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। जो अथर्ववेद है इसी में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है आपका, गोपद ब्राह्मण है। जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जो कि किसका उपनिषद है आपका, अथर्ववेद का उपनिषद है। तो अभी हमने जाना अथर्ववेद के बारे में। ये जो पूरा लेक्चर था इसमें हमने जो हमारे वेद थे इनके बारे में हमने जाना है, और हमारे जो इतिहास है उसके स्रोत के रूप में किस प्रकार से इनकी भूमिका है ये हम समझे। बाकी वेदों के बारे में हम और जब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय ये जो चारों वेद हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपने शब्द सुना होगा लेक्चर में बार बार संहिता। तो संहिता जो होता है वो क्या होता है, जो मंत्र हैं या जो सूक्त हैं इनको जो एक जगह संकलित किया जाता है उनको संहिता किया कहा जाता है। यदि हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे ऊपर वेद आते हैं, वेद के बाद उपनिषद आते हैं, फिर आपके ब्राह्मण, फिर ये जो संहिता है, फिर इसके बाद आप देखोगे श्रुति, जैसे मनु हो गई, नारद स्मृति हो गई, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये अभी के लिए आपको यदि हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के जो अध्ययन के स्रोत हैं भारतीय इतिहास के, ये हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जो जैन और बौद्ध धर्म साहित्य है, ठीक है, उससे हमें क्या क्या पता चलता है भारतीय इतिहास के बारे में, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप यदि चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।